दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube वर्सेस TikTok। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अमीर सिद्धि को कैरी मिनाटी आदि की अजय नगर ने रोस्ट किया था, जो वीडियो YouTube पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और कैरी मिनाटी के वीडियो ने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया था। यदि आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखे है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाकर देख सकते हैं। तो जिसका हम लोगों को इंतज़ार था फाइनली अमीर सिद्धि का, तो फाइनली उसका रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कैरी मिनाटी को रिप्लाई देते हुए, और उस वीडियो में उसने ये भी बताया जो IGTV का जो वीडियो उसने अपलोड किया था उस क्यों डिलीट किया गया। फाइनली जिस वीडियो में कैरी मिनाटी को रिप्लाई दिया है अमीर सिद्धि ने, उस वीडियो को एक घंटे में उस वीडियो को डिलीट कर दिया और उस वीडियो पे 100K डिसलाइक आ चुका है। और उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाए थे, वहाँ से भी उसने वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने इस वीडियो को पहले ही डाउनलोड कर लिया था। तो इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा और इसके बाद अपलोड होने के बाद इलविश यादव ने भी इस वीडियो के बारे में कुछ रिप्लाई दिया, भी वीडियो का क्लिप मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरी मिनाटी रोस्टेड आमिर सिद्दीकी, आपने सब लोग ने ये वीडियो देखा, पर वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। गाइज, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड चीज़, मेरी जो पुरानी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को वो लोगों को डायरेक्टली बोलना चाहिए था जिनके वजह से ये मसले स्टार्ट हुए थे। तो ये मसला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियां दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। मैं गालियां बोलूंगा नहीं, आप लोग प्लीज देखिए। हमारे पीछे ना किराएदार नहीं रहा, उसकी ना खूब गंदी शकल, बहुत गंदी शकल किया वो, उसका नाम पता क्या? रानी, रानी, रानी। भाई इसने पहली बार हिरण भी सुनी थी क्या? मैंने किसी लड़की को बॉडी शेम करा, उसको डंपर बोला। तो भाई देखो यार, डंपर अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं कि डंपर कुछ गलत है। तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव DMs, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए। जिसके वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो ऐसे टाइम पे मैंने वो IGTV वीडियो बनाया उनके सपोर्ट में। तो जब मैंने ये IGTV वीडियो बनाया तो लोग मेरे को गाली देने लगे। तो मतलब अगर कल को किसी की बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रोल या रोस्ट किया जाएगा, और जब ये आमिर सिद्दीकी अगर स्टैंड लेता या कोई लड़का स्टैंड लेगा, तो क्या आप उसको छक्का बोलोगे? ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। और हाँ, दूसरों को ब्लेम करने के पहले मेरी भी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, जिसके लिए मैंने सॉरी बोला, मेरे को भी गालियाँ पड़ी, मैंने वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली लिया। अब जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने मेरे IGTV वीडियो में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग को, कैरी मिनाटी को क्यों टैग और मेंशन किया था, तो मैंने इसके लिए टैग मेंशन नहीं किया था कि मैं आपको वो एड्रेस करके गलत बोलना चाहता हूँ। बट कुछ टाइम पहले MTV डिजिटल अवार्ड शो हुआ था, जिसके अंदर कैरी मिनाटी वॉज अवार्डेड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज। और वो टाइम पे मैं आपके बाजू वाले टेबल पे बैठा था लकीली, और आपको वो अवार्ड मिला था सोशल कॉज के लिए। तो मेरा ये मोटिव था कि जब जो इंसान को बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज का अवार्ड मिला है, तो वो अपने रोस्टिंग कम्युनिटी के छोटे वो जो यूजर ने रोस्ट किया यूट्यूबर ने, उसको समझाता, उसको बोलता, ठीक है मेरे को रोस्ट किया, मेरी गलतियों के लिए एक्सेप्टेड। बट आपने क्या वो बंदे के लिए कुछ बोला जिसने लड़कियों को इतना बुरा भला बोला या गालियाँ दी? इसके लिए मैंने टैग मेंशन किया था, ये मेरा मोटिव था। और थर्ड चीज़, मैंने मेरी IGTV वीडियो डिलीट क्यों की? डिलीट करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे वजह से बहुत हेट स्प्रेड होने लगा, मेरे वजह से गालियाँ पड़ने लगी, नेगेटिव DMs और मैसेजेस आने लगे, जिसके वजह से ये चीज़ें बढ़ते जा रही थी और रोस्ट वीडियोज़ बनने लगे और प्रॉब्लम्स और बढ़ते गया।
इसके लिए मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट कर दी। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियां दे रहे उसको रोस्टिंग नहीं साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो गाइज अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ जो है #AmirAgainstCyberBullying। तो मतलब आगे से अगर कोई भी किसी को रोस्ट करता है या नेगेटिविटी स्प्रेड करता है तो हमको और आपको मिलके साथ में सब खत्म करना है। और हाँ, कुछ लोग जो बिना सोचे समझे किसी को छक्का या मिठा बोल, सामने वाले को तो हर्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। तो प्लीज गाइज ये भी बंद कर दो। तो जैसा कि आप तो देख लिए, अमीर सिद्दी ने कैरी मिनाती के कुछ इस तरह से जवाब दिया था। और इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को देखते हुए इंस्टाग्राम पे इल्विस यादव ने कुछ इस तरह के वीडियो अपलोड किया है, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर की, आपने बढ़िया स्केच वीडियो बनाई है और अपने वीडियो डालेंगे अपने मेन चैनल के ऊपर, फिर सुबह सुबह मेरे पास मैसेजेस आते हैं लिंक्स के कि ये देखो भाई, ये देखो आमिर सिद्दीकी ने क्या निकाला है, लाइक डिसलाइक से पता चल गई होगी औकात। पर उस वीडियो खोल के देखो, वैसे खोलना मत, अगर खोल ली हो बता देता हूँ, उस वीडियो कंटेंट मैं हूँ। और फिर साले ने फिर एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर बेवकूफ से, इस बार ना ऐसे त्रिशूल लूंगा पीछे से और ऐसे घुमा दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।